राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और आज संडे है और आज छुट्टी है, तो हमने सोचा क्यों ना मम्मी और पायल को भी छुट्टी दी जाए आज खाना बनाने से। तो सुबह का नाश्ता मैं और सुनील बनाने वाले हैं, तो सुनील अभी उसकी तैयारी कर रहा है, तो मैं दिखाता हूँ आपके हमारे घर में क्या हो रहा है। तो चलो, तो आज सबसे पहले यहाँ पे पायल हमें थोड़ा सा तूप बना के दे रही थी, घर का जो हमारा दूध वगैरह होता है उससे। और सुनील यहाँ पे बनाने की तैयारी कर रहा है। क्या बना रहे हैं सुनील, हम जरा आप बताएंगे। शीरा मतलब हलवा, ठीक है। तो अभी हलवा बनाने की तैयारी चल रही है, बादाम यहाँ पे काटे जा रहे हैं। और यहाँ पे कोई तो बहुत खुश है आज, हाँ। और नाश्ते का टाइम रहता है 8 बजे, अभी 10 बज रहे हैं, तो हम नाश्ता बना रहे हैं। लेडीज लोगों को थोड़ा लेट हो गया हमारी तरफ, क्योंकि हम नए हैं ना भाई इसमें। नहीं, मैं पोहे बनाने वाला हूँ या सिर्फ शीरा खाओगे आज, हाँ। पोहे कौन से फेवरेट है मेरे? और शीरा सुनील का। मम्मी, मम्मी कैसे वाटते तुला? भारी वाटते। वी आर मेकिंग फूड फॉर यू। भारी वाटते, आज आई ताई तो खाई चाहिए मला। नाश्ता? नाश्ता पोहे बनू का? हो बनाओ, तुझे आवडते पोहे, त्याच्यामुळे तू पोहे बना। तो मैं पोहे बनाऊंगा, सुनील शीरा बनाएगा, ठीक है। तो चलो तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। और पायल ने देसी घी बना दिया है। पोहे बनाने के लिए हमें लगेंगे सबसे पहले प्याज। तो प्याज को कट करने के लिए हमें लगेगा, प्याज कट करने के लिए हमें लगेगा बोर्ड। हमने बोर्ड ले लिया, पर इस ये तो प्लास्टिक का है पायल, प्लास्टिक से हम छुटकारा पाने के लिए यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। हम गरीब हो गए, हमारे घर में काजू नहीं है, 4 प्याज ठीक हो जाएंगे ना। सुनील तुम्हें क्या क्या चाहिए सामग्री, वो सब रेडी करके रखो। बना ना। तो मेरा प्याज कट करके हो चुका है। और सुनील का क्या चल रहा है इधर तूप में? इतना घी डाला तूने, तो उसमें वो ये डाल रहा है रवा, तो उसको भून लेगा अच्छे से, ठीक है, हल्के आंच पे। सुना सुना नहीं, सुनील शीरा बनाने में स्पेशलिस्ट है। इसका नाम सुना है। और ये देखो भाई, मैंने बहुत बार बनाया है। हमको चाहिए होंगे थोड़े मिर्च इसमें पोहे, जितने हम लोगों को लगते उतने ही निकाल के दो मुझे, ठीक है। मुझे इसमें डाल के दो तुम, फिर बस इतना, इतने पोहे से होगा। यहाँ गुड़ पगलाने को डाल दिया है पानी में, गुड़ का सिरा बनाने वाले हम। गाइस आपको कैसा लगा ये हमारा अटेम्प्ट? आपको लगता है हम अच्छा खाना बना पाएंगे, अच्छा नाश्ता बना पाएंगे? जानने के लिए देखते रहे हमारे ब्लॉग। भाई पोहे बनाने के लिए पहले तो ये बर्तन धोना पड़ेगा यार। उधर रख, मैं कर लेता हूँ। डन, कैसे चमक रही है दोस्तों। तो कढ़ाई तो ले ली है, प्याज भी ले लिया है, ये तुम्हारे लेके जाओ रे पायल, इधर से तुम गर्दी कम करो, तो इधर से जाओ, तो भागो यहाँ से। इसमें थोड़े पोहे डालने पड़ेंगे। तुम आज मेरा रोल करो, तुम आज ब्लॉक बनाओ, ठीक है। तो पोहे के ऊपर नमक और हल्दी डाल दिए। पोहे में सबसे ज़्यादा मिसिंग क्या होने का संभावना रहती पता है? ये वाला, तो इसको भी लेके रखता हूँ अभी से। कढ़ाई में सबसे पहले डालेंगे ऑयल, उसमें डालेंगे प्याज। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालो ना, मेरे तरीके से होने दो। दोनों भाई एकदम लगे हुए यहाँ पे। प्याज तो मैंने भून दिया है अच्छे से। मेरी गलती क्या हुई पता है? ये सेगड़ी को वोल्टेज ही नहीं है। ये कब से इसको कर रहा हूँ? भुने जा रहा हूँ। सेगड़ी ऑन नहीं थी। चलो भाई मूंगफली भी डाल। अरे यार इससे तेल उड़ रहा है यार। तो सारा मटेरियल डाल दिया है पोहों में, प्याज मूंगफली कड़ी पत्ता मिर्च। और अब इसको है ना मैं कढ़ाई में डाल देता हूँ और पका लेता हूँ सही से। और इसका शिमोलिना भी बन चुका है लगभग। ये उठा रे बॉटल, उधर रख दे। और भाई मेरा शिमोलिना रेडी है, इसके पोहे बन ही रहे हैं अभी तक। बन गए, बस अच्छे दिख रहे हैं वे। नमक डाल के देखना पड़ेगा, हल्दी थोड़ी ज्यादा हो गई ऐसा लग रहा है मुझे। परफेक्ट, बट अच्छे दिख रहे, बहुत अच्छे दिख रहे, गुड मास्टर शेफ। मास्टर शेफ के इसमें जल गया वो कॉम्प्लीमेंट में नजर लग गई।
ए मम्मी इकडे ना, मम्मी हेल्प हिम, हेल्प हिम, वो जल रहे पोहे जल रहे, उसके ऊपर रख दे कुछ, मतलब जो पके नहीं होंगे ना वो पक जाएंगे। मम्मी ढकना पड़ेगा ना। मम्मी कैसा लग रहा है तुमको ये दिखने में? अच्छा लग रहा है। टाकेले कोतंबीर। और गाइज हमने सिर्फ रेसिपीज नहीं बनाई है, वो किचन का सारा काम किया है। गंदा था बर्तन मांज रहा है और मैं ये बचा हुआ साफ कर दूंगा, ये वाला ड्यूटीज डिवाइड हो गई है। नहीं तो आप सोचोगे सिर्फ बना दिया और वैसे ही छोड़ दिया। तुम्हें क्या लग रहा है इसके ऊपर? ओ माय गॉड, ओए लगेगा मेरे ऊपर। आई एम ब्रूस ली। कौन था? बता बता बता। तो इन दोनों को खाना खाने के लिए बुला लिया है। पानी दे, पानी देता हूँ। सुनील उनको परोस रहा है अभी। ये इसी संडे की स्कीम थी, अगले संडे से नहीं होगा ऐसा। ठीक है, स्टॉप द रेयर इवेंट है। बस आयला दिली बस नहीं ना भाई, बस रिदा शिगम मत झाली यांची लाडू आना है क्या? हां याच्यामध्ये हे मम्मी की डिमांड्स बढ़ती जा रही है। हां गाजर का हलवा गरम थोड़ी करके खाओगे, वैसे खाओ ना। ये रहा गाजर का हलवा, सब कुछ खाएंगे अभी हम। गाजर का हलवा, पोहे, सुनील ने जो शिरा बनाया वो सब कुछ, और मेथी का लड्डू हमारा नाश्ता हो जाएगा। दोनों की प्लेट परोस दो, पहले दो चम्मच निकालो, इनको खाने दो। मम्मी कैसा हुआ है पोहे और शिरा? सबसे अच्छा क्या हुआ है? थोड़े से खारे डाले, थोड़े से पोहे, थोड़े से नमक ज्यादा हो गया। शीरा थोड़ा सा फीका डाला। ठीक है, पहली बार के लिए तुम लोग, बड़े दिनों बाद हमने काम किया है ना। तो चलो भाई इसको खत्म करते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हाँ भूखे तो नहीं रहेंगे। डेकोरेशन एंड सर्विंग। कौन आ गया रे? मेरा वाला बड़ा चम्मच ले भाई। मुझे ना इस पोहे का कलर ही बहुत अच्छा लगा। वाव पोहे सच में अच्छे बने यार। और हमारे पापा भी आ गए, पापा को भी दो। अभी पापा टेस्ट करने वाले हैं। मस्त है ना? चलो भैया वैभव के घर पे फर्नीचर देख के आते हैं कितना हुआ है। गाने मस्त लगा देते भाई। मटन वाले लोग देखो मटन खा रहे हैं। ये वाला का जो फेमस होटल है उससे लाया है पायल। खुश तो बहुत होंगे आज तो। इधर वेजिटेरियन लोग सोयाबीन निवड़ के खाएंगे भात में से। चलो भैया हेयर कट करके आते हैं आज। चलो आगे बैठो। हेयर कट करने के लिए दोनों भाई साथ जा रहे हैं क्योंकि दोनों के बाल एक साथ बढ़ते हैं ना। ये लॉजिक था गंदा वाला, पीजे लॉजिक। एक साथ बाल बढ़ते तो एक साथ कट भी हो सकते हैं ना। पहुंच गए थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नंबर है, भीड़ है ना। तब तक हम पल्लवी के शॉप पे वेट कर लेते हैं। पल्लवी ने हमारे लिए लाए पोंगे खाएंगे, बचपन की ताज़ी यादें ताज़ा करेंगे। सुनील भाई का नंबर आ चुका है, अभी मेरा नंबर है। चलो पल्लवी को बाय बाय बोलते हैं। चलो भैया हेयर कट करवा लेते हैं। डन, चलो घर जाने का टाइम हो चुका है। ये पूरा रास्ता खाली है क्योंकि ना मनमाड़ में है ना एक ब्रिज है ना टूट गया है, उसके वजह से है ना ये इस रास्ते की ट्रैफिक पूरी बंद है। सिर्फ जो लोकल लोग हैं ना वही आते जाते हैं, ये भी व्हीकल बंद है। और यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर। पहुँच गए भाई घर, और हम दोनों का हेयर कट और बियर्ड कट कैसा लगा बताना ज़रा। अभी चिकू पिकू को छोड़ देता हूँ मैं, बंद है दू सुबह से।
दे आर आस्किंग मी टू रिलीज देम। आपका जेल टर्म खत्म हुआ। दोस्तों कटिंग करके आने के बाद देखो मेरी स्किन निकल रही है, क्या हो गया मेरे स्किन को यार, देखो ना कैसे निकल रहा है। मम्मी फाइल, ये देखो मेरी स्किन निकल रही है। सब्जी में डालोगी? हाँ। कुछ नहीं यार, ये फेस वॉश लगाया था मैंने, कुछ नया वाला पायल ने दिया था वो लगाया था। हेयर कट करके आया ना, महीने में एक बार मैं अपने चेहरे पे खास ध्यान देता हूँ, महीने में एक बार, डेली देना चाहिए पर एक बार ही देता हूँ, पायल जबरदस्ती करती तब। आज फिर से हमने शेकोटी जला दी है। वाओ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। कैसा दिख रहा हूँ मैं मेरा हेयर नया हेयर कट?